तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस और स्टैटिक्स जीके का फिर से स्टार्ट होने वाला है क्विज। तो देखिए, जैसा कि जान रहे, ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है जिसमें हम और मनबोध है, ठीक है। और ये सोनू जी का क्वेश्चन पूछेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए से पहला सवाल है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380। ग्रुप बी से सवाल है, भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा योजना वर्ष किस वर्ष शुरू हुई थी? 2016। सही है। ग्रुप ए से सवाल है, एप्पल ने वर्ष किस में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? 2010। सही है। ग्रुप बी से सवाल है, प्रायः खबरों में रहने वाली आन सान सू की का संबंध किस देश से है? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी? नहीं पता। नहीं पता। ग्रुप ए से सवाल है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो किस चीज का निर्माण करती है? युग्मज। क्या युग्मज? हाँ वही सही है। आंसर आप रिपीट कर दिया, ठीक है। ग्रुप बी से सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? यूएस। यूएस वाशिंगटन डीसी में। सही है। ग्रुप ए से सवाल है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। सही है। ग्रुप बी से सवाल है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है? कार्य। सही है। ग्रुप ए से सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस पद में पारित होता है? आपका निम्न सदन और उच्च सदन दोनों अलग अलग। सही है। अलग अलग। ग्रुप बी से सवाल है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? संक्षारण। सही है। ग्रुप ए से सवाल है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा ग्रुप ए सवाल ठीक है, निम्नलिखित धातु में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में पारा पाया जाता है। सही है। ग्रुप बी से सवाल है, 75वें गोल्डन अवार्ड में निम्नलिखित में से किसे सेविल बी डेमिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आंद्रे हेब्रन, ऑप्शन बी है हॉल्ट गोल्डी हॉर्न, ऑप्शन सी ओपरा विन्फ्रे, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। सही है। ग्रुप ए सवाल है, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? इनका नाम था थोड़ा लंबा है, शिव शंकर है कुछ, मतलब वसंत कुमार से शंकर। वसंत कुमार से शंकर। सही। ग्रुप बी से सवाल है, जालियाना वाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1919 में। 13 अप्रैल 1919। किसने करवाया था? जनरल डायर। इनका हत्या कौन किया था? जनरल उधम सिंह ने किया था इनका। उधम सिंह कहाँ पे? ये किए थे आपका ब्रिटेन में। ब्रिटेन लंदन में जाकर। ग्रुप ए से सवाल है, ऑक्सटेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है? कैल्शियम। हाँ कैल्शियम तक लागू होता है। सही सही। ग्रुप बी से सवाल है, द्रव्य में ग्रुप बी के सवाल में, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1983 में। किस वर्ष हुआ? 1983। ग्रुप ये सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा आपका गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ठीक है, प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों का योगफल।
यांत्रिक ऊर्जा का किसी वस्तु गतिज ऊर्जा स्थगित ऊर्जा का योग। ग्रुप बी से सवाल है, अनु शब्द किसने प्रतिपादित किया? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक्स ने, सही है। ग्रुप ए से सवाल है, आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी आगरा शहर का संस्थापक माने जाते हैं। किस वंश से थे ये? लोधी वंश से थे। इब्राहिम लोधी नहीं, शाहजहां थे ये, मुगल वंश के। मुगल के थे। गुरु पी से सवाल है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसे वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? तो वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। सही है। ग्रुप ए सवाल है, माता पिता के संतान में शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? अनुवंशिकता। ग्रुप बी सवाल है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान रेड रेखा। भारत और अफगानिस्तान डोरंट रेखा। और 9 डिग्री चैनल किस बीच में? 9 डिग्री दक्षिण कोरिया से है उधर। नहीं 9 डिग्री से निकल आ गया, थोड़ी स्किप है। ग्रुप ए सवाल है, डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है? बेंजीन, ब्यूटेन, इथेनॉल, अल्कोहल। इथेनॉल का उपयोग करते हैं हम लोग। थोड़ा सा आगे दिख रहा है, इथेनॉल का उपयोग करते हैं हम लोग पेट्रोल का। नहीं दिख रहा है, कोई दिख रहा है। चलो सही है। ग्रुप बी सवाल है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए क्रिया विधि का सुझाव दिया? चार्ल्स डार्विन। सही है। ग्रुप ए से सवाल है, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है, वस्तु पर लागू नेट बल क्या होगा? आपका शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा, जी हाँ, ये सही है। ग्रुप बी से सवाल है, लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है? अंदाजे। ग्रुप ए से सवाल है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? बोले भोर का जोड़ बोल जाती है, भोरने के रूप में होती है। सही है। ग्रुप बी से सवाल है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? 73 से घटा देना दिया हुआ तापमान को। सही है। ग्रुप ई से सवाल है, गंडमाला किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी से गंडमाला होता है। सही है। ग्रुप बी से सवाल है, पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज्यादा रहा है? ऑप्शन इसका दीजिए। ऑप्शन ए दूरसंचार, ऑप्शन बी दूरसंचार का 10 वर्षों में एफडीआई में निवेश। सही है। ग्रुप ई से सवाल है, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? इसका ऑप्शन दीजिए। प्लाज्मा में आपका कणों की गति ऊर्जा सबसे अधिक होती है। सही है। ग्रुप बी से सवाल है, इनमें से कौन भारत सरकार के मुख्य बैंकर हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अभी कौन इसका वो है? नहीं, इसका पता नहीं, याद नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ, लेकिन तो आपका होमवर्क में सवाल है कि आरबीआई के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, कमेंट कीजिएगा। ग्रुप ए सवाल है, जिन्ना ऑफेन केम टू अवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? हम लोग से है ना, किरण दोषी। सही है, जोर से। ग्रुप बी सवाल है, शोल्डर का मिश्र धातु किस किस के मिश्र? सीसा टेल।
सीसा और टीन का, सीसा टीन का फॉर्मूला क्या है? पीवी और एसएन। पीवी हो गया सीसा का, एसएन हो गया टीन का। सही है। ग्रुप ए से सवाल है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? ग्रुप बी से सवाल है, एक ग्रह मान ले नहीं। निम्नलिखित में तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? मेंडलिक का, सॉरी मोस्ली का आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर। सही से बोलो, क्या बोला क्वेश्चन? बोलते निम्नलिखित में तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? परमाणु संख्या पर, ये आवर्त सारणी नया वाला आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ली का। ग्रुप ए से सवाल है, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? ब्रिटिशों ने भारत को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? अच्छा अच्छा, ऑप्शन इस कर दीजिए। 1835, 1834, 1836, 1833। पास है। तो मतलब ब्रिटिश 1835 में ब्रिटिश ने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। ठीक है। ग्रुप बी सवाल है, किस वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, सही सही। ग्रुप ए से सवाल है, एक कार कुछ गति से चल रही है, ये किस ऊर्जा से युक्त होती है? एक कार कुछ गति से चल रही है, ये किस ऊर्जा से युक्त होती है? गतिज ऊर्जा से। सही है। ग्रुप बी से सवाल है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण इधर झुकेगी, क्या होगा? सघन से विरल माध्यम में जाती है ना, तो इसकी गति में वृद्धि आएगी और अभिलंब से दूर हटेगी। सही है। ग्रुप ए सवाल है, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम। फ्लोएम जो है ना आपका प्रकाश संश्लेषण में उसको मदद करता है। सही है। ग्रुप बी सवाल है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक एक समान होता है? क्या बोला? किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का किसके समान होता है? समान समूह में उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। किसी भी ग्रुप में किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है, सभी एलिमेंट। अब थोड़ा हार्ड आ गया था कि ऑप्शन समझ आ रहा है। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। सही है, पढ़ा है। अब थोड़ा हार्ड आ गया भाई। ग्रुप बी सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? SBI का। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया था SBI को। ग्रुप बी सवाल है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश होती हैं, कम संशोधित परिवर्तित वंशागत। इसमें है वंशागत। सही है। गुरु बी सवाल है, गुरु शिखर, ठीक है, के अर्बुदा पर्वतों का शिखर है जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है? राजस्थान। राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर। ग्रुप ए सवाल है कि दो पहाड़ का नाम पता, जो नर्मदा उन दोनों के बीच में गिरती है, नर्मदा नदी। नदी दो पहाड़, सर नर्मदा नदी दोनों के बीच में गिरती है, दो पहाड़ के बीच में। ऑप्शन दो। ऑप्शन नहीं है खुद से, नहीं याद है हमको, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा है। कोई बताओ पहाड़ का नाम ही बता दो, नर्मदा कहाँ से गुजरती है तीसरा पता चलेगा। गोदावरी। हम किस पहाड़ के बीच में गिरती है? सतपुड़ा। हाँ सतपुड़ा, कॉमन क्वेश्चन था। पूछे
ग्रुप ए सवाल, काला सोना क्या है? काला सोना क्या है? काला सोना क्या है? हीरा है क्या? काला सोना, हाँ काला सोना पेट्रोल है, पेट्रोलियम पेट्रोलियम बता नहीं था, बताया था पेट्रोलियम 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 सही है। कैसे पता चला था? गुरु बी सवाल है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? लू कॉर्बूजियर ने। लू कॉर्बूजियर ने किया था चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास। सही है। ऑप्शन दे। सही है तो सही है, ऑप्शन ही नहीं है तो सही है था। सही कैसे? तारा चंद, नेक चंद, हिमांशु पारिक, कमल सागर है। कौन सी दे रहा ऑप्शन? वास्तु कला। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था पूछे हम? अच्छा रॉक गार्डन का ऑप्शन देता सुनो, तारा चंद, नेक चंद, हिमांशु पारिक, कमल सागर। ताराचंद है क्या? नहीं है, ताराचंद भी नहीं। तो तुमने कोई बता तुमने? ताराचंद, नेक चंद, हिमांशु पारिक, कमल सागर। कमल बोल रहा था। दोनों गलत है, नेक चंद। नेक चंद बोला, नेक चंद। चलो इस बार ग्रुप बोल रहे थे नेक्स्ट हम लोग का सवाल है। ग्रुप ए सवाल है, विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया था? प्लीज ऑप्शन दिया जाए। 8 मार्च, 8 अप्रैल, 18 अप्रैल, 25 मई। 25 मई को मनाया जाता है। सुमन को बोलो। 18 अप्रैल को तुमसे बोलो। अभी बोला उसको सुमन ने। चलो बिना 18 अप्रैल इस तरह से तो ग्रुप बी से है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? ऑप्शन दिया जाए। ऑप्शन दीजिए। पफर मछली, पार्कुपाइन मछली, पीरा हंस, एंगलम मछली। स्किप, मेरा तरफ से भी स्किप है। अच्छा दोनों स्किप है। पीरा हंस पफर मछली। सबसे जहरीली मछली है। हाँ पफर। हाँ पफर। गुरु एक सवाल है, किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया है? ऑप्शन दिया जाए इसका। इसका ऑप्शन दे बताओ। पृथ्वी, वीनस, सैटर्न, जुपिटर। बोले रुको रुको अभी तो जल्दी बोले। पृथ्वी, वीनस, सैटर्न, जुपिटर। वीनस था ना? वीनस जुपिटर है जिसका रोमन देवता के नाम पे रखा गया, बृहस्पति ग्रह। चलो ग्रुप इसको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। ग्रुप बी से सवाल है, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है? हम लोग से ना। हाँ कार्बन का सख्त रूप है। कार्बन का सख्त रूप है। सही है, सही है बाबू। ग्रुप ए से सवाल है, रवि जी ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज को क्या कहते हैं? भूकना, गुरगुराहट, मिमियाना, बरबड़ाना। गुरगुराहट। गुरगुराहट। गुरगुराहट सही है। ग्रुप बी सवाल है, हार्ड क्वेश्चन। टू किल एक मार्किंग बर्ड। टू किल एक मार्किंग बर्ड, ठीक है, के लेखक कौन है? हार्ड सवाल है। इसके रुको ऑप्शन बता। उम्बर्टो इको, सलमान रश्दी, जेके राउलिंग, हार्पर ली। बोले बाबू बोलो। स्किप है। दोनों स्किप है। हार्पर ली। हार्पर ली किसके लेखक है? ये टू किल एक मार्किंग बर्ड। ठीक है। ग्रुप ए सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, तेल, पीट, बिजली। बिजली नहीं है। बोलो। कोयला, तेल, पीट, पीट, पीट में तो और बिजली। बिजली नहीं। बिजली नहीं होगा जीवा संविधान। सही है। सही बंद कर देगा। हाँ तो काउंट किया क्या? काउंट कर। ये जितने अब क्विज को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और ग्रुप बी में आए हुए, ठीक है। और शाम को 4 बजे करंट अफेयर का क्विज होगा। धन्यवाद। और जो जो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा।
जैसा कि आप लोग जान रहे हैं ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है, दोनों ने आज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। दोनों के बीच में जो नंबर है दोनों में टाई हो गया है, लेकिन इसके बावजूद दोनों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। ग्रुप ए ने इसके बाद हमने एक और बीच में दो तीन क्वेश्चन पूछा था, तो दोनों के बीच में जो निर्णय हुआ है ग्रुप ए इस बार एक नंबर से बाजी मार गया है ट्राई करके बाद।